हेलो क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। थर्ड लेसन वर्किंग विद विंडोज 7, आपने सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर आपने करना है। इसमें हमने अब तक रिवाइज कर चुके हैं बूटिंग कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप कंपोनेंट्स। इसमें हमने डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स में स्टार्ट बटन हमने किया था लास्ट वीडियो में, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार, सिस्टम ट्रे, वर्किंग विद डेस्कटॉप आइकन्स एंड मूविंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, अरेंजिंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। आज हम नेक्स्ट करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। अब आपका फोल्डर क्या होता है, फोल्डर आपका क्या है, जिस तरीके का आपका जो आप विजिबल जो आप फिजिकली जो देखते हैं फोल्डर्स आप देखते हैं अपने घरों में, उसमें आपके पेरेंट्स की बहुत तरीके के फोल्डर्स होते हैं और आपने देखा होगा फोल्डर अपने घर पे कि उसमें अलग अलग फाइल्स रखते हैं, इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, आपके जो बिल्स होते हैं उनका अलग फोल्डर बनाए रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी आपके फोल्डर्स होते हैं जिसमें अलग डिफरेंट तरीके की आप क्या रख सकते हैं, फाइल्स रखते हैं। तो उसे हम फोल्डर को किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखते हैं, किस क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप किसी भी खाली जगह पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस तरीके का मेन्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, जो ये मेन्यू है यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन है जिसे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप न्यू को सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके का आपका नेक्स्ट जो मेन्यू है वो अपीयर होगा आपके लिए। सॉरी, यहाँ पे आपका अपीयर हो गया यहाँ पे दूसरा मेन्यू। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका फोल्डर, ये आपका सेकेंड वाला स्टेप है जिसमें आपने न्यू पे को सेलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फोल्डर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का अ न्यू फोल्डर विद न्यू फोल्डर नेम गेट्स क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। तो इस तरीके का फोल्डर आपके लिए डेस्कटॉप में अपेयर हो जाएगा और वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर यू वांट एंड प्रेस द एंटर की। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फोल्डर को कोई नाम दे सकते हैं, नाम देंगे आप और एंटर की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, दिस प्रोसेस विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। जैसे आपने एंटर की को प्रेस किया तो आपका जो फोल्डर आपने अभी बनाया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप में आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फाइल्स एंड फोल्डर्स, इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ फाइल्स। अब आपको पता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होती हैं, आपके जो जितनी भी तरीके की सूचनाएं आप रखते हैं कंप्यूटर्स में, वो एक फाइल्स की फॉर्म में ही क्या होती हैं, स्टोर्ड होती हैं, सुरक्षित रखी जाती हैं। अ फाइल कैन कंटेन प्रोग्राम्स, अ ग्राफिक, मूवी एक्सेट्रा। अब फाइल्स आपके क्या हो सकते हैं, कोई आपके प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोई मूवी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके की ग्राफिक्स हो सकती थी, कोई आपके पिक्चर्स हो सकती हैं। ईच फाइल कैन बी गिवन अ नेम विच इज़ नोन एज अ फाइल। और हर फाइल को आप क्या देते हैं, नाम भी देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दें, जैसे कि आपके हर सब्जेक्ट की कॉपीज होती हैं, बुक्स होती हैं, आप उसके बाहर से स्लिप लगाते हैं कि ये आपके इस सब्जेक्ट की कॉपी है, ये इंग्लिश की है, मैथ्स की है, हिंदी की है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी फाइल्स भी होती हैं कंप्यूटर्स में, जिनको आप क्या देते हैं, नाम देते हैं। फोल्डर इज लाइक अ कंटेनर यूज टू स्टोर मैनी फाइल्स, इट कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स। अब फोल्डर आपका एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें कि आप अपनी फाइल्स को क्या करते हैं, रखते हैं, बहुत सारी फाइल्स आप उसमें स्टोर करके आप रख सकते हैं और इसमें आप दूसरे फोल्डर भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, छोटी छोटी फाइल्स बनानी है आपने, चाहे आप नोट पैड में लिख लिख के बना लीजिए या एम एस पेंट पे भी, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था एम एस पेंट। तो आप छोटी छोटी फाइल्स बनाइए और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप फोल्डर बनाइए, उसमें आप उसको अरेंज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली भी आपने ये करना है। तो थर्ड चैप्टर आप वर्किंग विद विंडोज 7 या प्रिपेयर करेंगे सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए। सो थैंक यू क्लास।